अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं? ठीक ठाक? मैं भी ठीक ठाक हूँ, आप भी ठीक होंगे इंशाल्लाह। अल्लाह पाक सबको ठीक रखे, अपने हिफ्ज अमान में रखें। आज मैं आप लोगों से चिकन आलू की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये मैं आपको बनाना दिखाती हूँ और आप बनाएं और ट्राई करें ये मेरे रेसिपी से। तो देखें, अब मैंने ये डाला है ऑयल आधा कप और मैंने एक दरमियाना प्याज डाला है। अब इसे मैंने ब्राउन होने नहीं देना, इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालना है। ये लहसुन अदरक का पेस्ट, इसे थोड़ा सा स्वाते करना है। ये आप स्वाते करोगे थोड़ा सा। ये आपने डाल देना है चिकन, ये आपने डालना है चिकन और इस तरीके से। ये आपने 5 मिनट तक इस तरह भूनना है। उसके बाद आपने काटने टमाटर, ये देखिए इस तरह से आपने टमाटरों की कटिंग करनी है। ये 4 अदद आपने टमाटर डालने इस तरह से। अब ये देखें, अच्छा सा भून गया है। इसमें हमने डाला 1/2 टीस्पून सुरख मिर्च, 1/2 टीस्पून गड़ा मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च जिसे कहते हैं, ये इसमें चला गया। ये 1/2 टीस्पून ज़ीरा चला गया इसमें कुटा हुआ, मोटा कुटा हुआ। हसबे जायका नमक चला गया इसमें। 1/2 टीस्पून सूखा धनिया चला गया। इसे अब हम इस तरह भून लिया। अब इसमें चला गया ये 4 अदद टमाटर। अब हमने इसमें डाल दिए 4 अदद टमाटर और ये देखें इसकी शक्ल देख रहे हैं, ये देखें इसकी शक्ल। इसके बाद हमने इसे 10 मिनट तक ढकना बंद कर देना है। 10 मिनट के बाद ये इस तरह क्यूब में कटे हुए आलू हैं, ये मैं इसमें शामिल करूँगी, फिर मैं साथ में भुनाई करूँगी, फिर मैं आपको दिखाऊँगी इसके बाद। ये देखें अब इसकी शक्ल इस तरह से निकल आएगी। ये देखें, ये टमाटर हमारे अच्छे तरीके से गल गए। अब ये हमारे आलू हैं क्यूब में कटे हुए, इसे हमने इसमें शामिल कर दिया। और ये देखिए, अब इसे हम और 10 मिनट तक भूनेंगे, हमारे आलू अच्छे से पक जाएंगे। ये देखिए, आप इसी तरह बनाएं आलू चिकन की रेसिपी, बहुत अच्छी मज़ेदार बनती है। ये देखिए, आसान से, बहुत सिंपल से, आसान से। थोड़ा सा पानी ऐड कर दें। ये देखिए, आप 10 मिनट बाद में ये देखें, ये देखें ये तैयार हो गया। अब मैं इसे डिश आउट करने लगी हूँ। ये देखें, आलू चिकन की ये प्यारी सी खूबसूरत सी रेसिपी तैयार हो गई है। नेक्स्ट हम नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।